दोस्तों, मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल आफिया केमिस्ट्री पॉइंट में। आज का क्वेश्चन है अमोनिया एवं फॉस्फीन के गुणों की तुलना करें। यही आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आज आप लोग को हम क्या करेंगे बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को आप लोग क्या करोगे अंत तक देखोगे तो इस तरह से तीन कॉलम बना लेना। एक कॉलम में गुण लिखना, दूसरा में अमोनिया, तीसरा में फॉस्फीन। अमोनिया का संरचना जो है आपका होता है NH3 और फॉस्फीन का होता है आपका PH3। ये आपका फॉस्फीन है, ये आपका अमोनिया है, ठीक है। तो अमोनिया गुण में संरचना, ठीक है, फिर आप लिखोगे रंग व गंध, ये गुण में लिखोगे। एक यहाँ पे गुण, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे फॉस्फीन, इस तरह से तीन कॉलम बना लेना। गुण में पहला लिखोगे संरचना, तो आप सबों को मालूम होना चाहिए अमोनिया का संरचना जो होता है चतुष लिखोगे, चतुष्फलकीय संरचना कौमा पिरामिडी आकार, ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना पिरामिडीय आकार कौमा नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी है, ठीक है। तो अमोनिया में आप लोग को लिखना है अमोनिया का आकार जो है अमोनिया का संरचना जो है चतुष्फलकीय संरचना, आकार जो है पिरामिडीय आकार, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अमोनिया में लिखोगे। फॉस्फीन में भी आप लोग को लिखना है, फॉस्फीन का भी आकार जो है आपका संरचना जो है चतुष्फलकीय संरचना फॉस्फीन का भी होता है, तो चतुष्फलकीय संरचना इनका भी आकार पिरामिडीय आकार, ठीक है। और फास्फोरस इसमें भी यानी PH3 यानी पी पे, यहाँ पे NH3 एन पे जो है यानी नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी होती है, तो यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिर्फ फास्फोरस परमाणु कोमा दे देना, यहाँ पे फास्फोरस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी है। तो देख लीजिए, ये आपका हो गया N, ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन परमाणु पर एक आपका निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी फास्फोरस का हो जाएगा संरचना इस प्रकार से H, तो यहाँ पे देख लीजिए फास्फोरस परमाणु पर एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है चतुष्फलकीय संरचना यानी NH3 का संरचना जो होती है, संरचना जो होती है चतुष्फलकीय, आकार जो है पिरामिडीय और नाइट्रोजन परमाणु पर देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है चतुष्फलकीय संरचना को मा पिरामिडीय आकार किसका, अमोनिया का। अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है उन पर इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी, ठीक है। उसी प्रकार चतुष्फलकीय का भी आकार जो है फॉस्फीन का भी आकार जो है चतुष्फलकीय आकार पिरामिडीय, फास्फोरस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, देख लो है ना दोनों पे। चलिए अब रंग और गंध देख लेते हैं, रंग और गंध, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए अमोनिया में लिखोगे रंगहीन परंतु, ठीक है, लिखोगे इनका गंध में लिखना रंगहीन परंतु तीव्र गंधयुक्त गैस, तीव्र गंधयुक्त गैस, ठीक है। दूसरा गुण है आपका रंग व गंध, रंग व गंध में लिखना रंगहीन परंतु तीव्र गंध युक्त गैस आपका कौन है, अमोनिया। इसमें लिखना है ये भी आपका रंगहीन है रंगहीन परंतु सड़ी मछली जैसी गंध युक्त गैस। तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि आपका फॉस्फीन का जो है आपका ये भी आपका रंगीन है परंतु सड़ी मछली जैसी गंधयुक्त गैस है, ठीक है। चलिए HX की अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया अमोनिया का, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए अमोनिया यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अमोनिया रिएक्शन करता है तो अमोनियम हैलाइड बनाता है। अमोनियम क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है,
ठीक है, अमोनियम हैलाइड बनाता है, यानी HX क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। तो कभी भी अमोनिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो उत्पाद में अमोनियम हैलाइड बनाता है, ठीक है। इस बात को आप क्या करोगे, याद रखोगे। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं, NH3 ये आपका अमोनियम अमोनिया है, इनका रिएक्शन किसके साथ, HX में Cl ले लेते हैं, यानी HCl, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड। इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, NH4Cl, यानी अमोनियम हैलाइड, यानी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। या जो हैलाइड लोगे या Br लोगे तो यहाँ Br प्राप्त होगा, तो यहाँ पे फिर अमोनियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। तो हैलाइड में Cl, Br, IF, ये चारों हो सकता है। तो अमोनिया को हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो फिर आपको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। यदि अमोनिया को HBr के साथ कराओगे तो फिर अमोनियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी HX यानी कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो उत्पाद में अमोनियम हैलाइड ही प्राप्त होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, फास्फोरस में, ठीक है, तो इसमें जो है ना फास्फोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, यानी हैलाइड बनता है, फास्फोनियम हैलाइड बनता है, ठीक है। यदि आप HX के साथ फॉस्फिन का रिएक्शन कराते हो तो फॉस्फोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, जैसे PS3 ये आपका फॉस्फिन है, इसको HCl के साथ करा दो रिएक्शन तो आपको उत्पाद में मिलेगा PH4Cl, ये आपका फॉस्फोनियम हैलाइड है, तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब है H+ आयन के साथ, यदि आप हाइड्रोजन आयन के साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको अमोनियम आयन प्राप्त होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन प्राप्त होता है, जैसे NH3 ये आपका अमोनिया है, H+ आयन के साथ रिएक्शन कराओगे तो NH4+ प्राप्त होगा, तो ये आपका अमोनियम आयन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे फॉस्फीन का रिएक्शन जो है H+ आयन के साथ कराओगे तो फॉस्फोनियम आयन प्राप्त होगा, तो हो जाएगा फॉस्फोनियम आयन क्या होगा, प्राप्त होगा, कब, जब आप हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन कराओगे तब। तो ये आपका PS3 हो गया, H+ आपका आयन हो गया, रिएक्शन कराओगे तो PH4+ होगा, यानी फॉस्फोनियम आयन प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप क्या कर लोगे, अमोनिया और फॉस्फीन में अंतर स्पष्ट कर लोगे। तो आज के क्लास आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो बाबू चैनल पे नए हो, जो बाबू चैनल पे नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।